हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एट ईज। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी से डिस्कस करने वाली हूँ बेस्ट प्रेपरेशन टिप्स टू क्रैक एनी एग्जाम। चाहे आप बोर्ड एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, किसी भी स्ट्रीम के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं आपको चार बेस्ट टिप्स बताऊंगी जो कि आई एम श्योर आपकी प्रेपरेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगी। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है कि आप जब किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं तो एग्जाम प्रेपरेशन के चार मेन पिलर्स होते हैं। अगर आपके चारों प्रेपरेशन पिलर्स बहुत स्ट्रांग है तो आपकी प्रेपरेशन बहुत अच्छे से होगी और ज़्यादा चांसेस होंगे कि उस एग्जाम को आप इजीली क्रैक कर सकें। तो पिलर नंबर वन कहता है स्मार्ट प्लानिंग। आपकी एग्जाम प्रेपरेशन का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है आपकी स्मार्ट प्लानिंग। आपने एक कोट सुना होगा और नहीं सुना है तो मैं आपको बता देती हूँ, अ गोल विदाउट प्लानिंग इज जस्ट अ ड्रीम। आपका एग्जाम क्रैक करना आपका सपना नहीं है, आपका एग्जाम क्रैक करना आपका गोल है। तो सपना और लक्ष्य के बीच की इस थिन लाइन को, ड्रीम और गोल के बीच की इस थिन लाइन को आपको समझना होगा। अगर आप सिर्फ ड्रीम करेंगे तो उसमें एफर्ट्स नहीं होंगे, बस ड्रीम होगा और ड्रीम फुलफिल कैसे करना है उसकी प्लानिंग नहीं होगी। अगर आपको किसी एग्जाम को क्रैक करना है तो बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर प्लानिंग के साथ उस एग्जाम को क्रैक करने की स्ट्रैटेजी आप बनाएं। स्मार्ट प्लानिंग में क्या क्या चीज़ें आती हैं? सबसे पहली चीज़ आती है कि आप एक प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करें। अगर आप लोग उन स्टूडेंट्स में से हैं जिनसे टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पाता है तो वो लोग डेली टारगेट्स, वीकली टारगेट्स, मंथली टारगेट्स सेट करते हुए प्रेपरेशन करें। ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चे से टाइम टेबल फॉलो हो, तो इसीलिए आप टारगेट सेट करते हुए प्रिपेयर करें। टारगेट सेट करना भी आपकी स्मार्ट प्लानिंग के अंडर आता है। इसी में दूसरी चीज़ बनती है डिसिप्लिन रूटीन। जब भी आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करते हैं, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बोर्ड एग्जाम्स के लिए, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका रूटीन काफ़ी डिसिप्लिन्ड हो। ऐसा नहीं कि आज मन हो रहा है आज पढ़ूंगा, आज मन नहीं है तो आज नहीं पढ़ूंगा। जब आपको किसी गोल को अचीव करना है तो वहाँ पर आज पढ़ने का मूड है नहीं है ये सारे ऑप्शंस नहीं होते हैं। वहाँ पर स्मार्ट प्लानिंग और डिसिप्लिन रूटीन होता है, क्योंकि जिस पल आपने सोचा कि आज मेरा पढ़ने का मन नहीं है, मैं नहीं पढ़ूंगा, उसी पल कोई और बच्चा पढ़ने लग गया होगा, उसी पल किसी और बच्चे ने कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए होंगे और वो आपसे कुछ टॉपिक्स ऊपर पहुंच गया होगा, यानी कि उसके उस एग्जाम को क्रैक करने के चांसेस आपसे ज़्यादा हो जाएंगे। तो फिर हम कंप्लेन करते हैं कि हमारा एग्जाम क्यों नहीं क्रैक हो रहा है, क्योंकि हम डिसिप्लिन वे में पढ़ाई ही नहीं करते हैं, क्योंकि हम अपनी एग्जाम प्रिपरेशन को सीरियसली ही नहीं लेते हैं। जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करो तो हमेशा याद रखिएगा कि जिस पल आप सो रहे हैं या फिर जिस पल आपको लग रहा है कि आपका मन नहीं है और आप नहीं पढ़ रहे हैं, उसी पल कोई और बच्चा काफ़ी टॉपिक्स कवर कर चुका है और आपसे प्रिपरेशन में काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। नाम ही जिसका कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, यानी कि बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स हैं आपके बीच, आपको सब कॉम्पिटिटर्स में से बेस्ट स्ट्रैटेजी चूज करनी है ताकि आप बेस्ट रिजल्ट्स ला पाएं। तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पिलर आपका है स्मार्ट प्लानिंग का पिलर। मेक श्योर आपकी प्लानिंग बहुत स्मार्टली हो रही है ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो सके। दूसरी चीज़ आती है टाइम मैनेजमेंट। आपके चार पिलर्स में से ये पिलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टाइम ही एक ऐसी चीज़ है जो एक बार चले गया तो वापस नहीं आ सकता। फिर हम सिर्फ रिग्रेट कर सकते हैं, सिर्फ अफसोस कर सकते हैं कि उस बीते वक्त में कुछ थोड़े ज़्यादा एफर्ट्स पुट किए जाते तो आज शायद मेरा भी एग्जाम क्रैक हो जाता। टाइम मैनेजमेंट में मैं सिर्फ यही कहूँगी कि ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सिर्फ आपको पढ़ाई ही करनी है। ये कहीं नहीं लिखा है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या फिर बोर्ड एग्जाम के प्रिपरेशन करते हुए आप सिर्फ पढ़ाई पर ही ध्यान दीजिए, बाकी सारी मस्ती, मजाक, खेलना, हंसना, गाना, ये सब भूल जाइए। टाइम मैनेजमेंट में पढ़ाई के साथ साथ वो सारी चीज़ें भी आती है जो कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती है, जिसमें आपकी हॉबीज़ आती हैं, वो सारी चीज़ें आती हैं जिसको करके आपका मन खुश होता है। अपनी हॉबीज़ पर भी ध्यान दीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप किसी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपको सिर्फ पढ़ाई ही करनी है। 24 घंटे पढ़ना कोई सही ऑप्शन नहीं है, और ऐसा करके आपका एग्ज़ाम सच में क्रैक नहीं होगा, क्योंकि आप मेंटली और इमोशनली स्ट्रांग नहीं हो पाएंगे। आपके मन में कहीं ना कहीं ये डर रहेगा कि कहीं अभी भी टाइम कम तो नहीं है, जितने एफर्ट्स मैं दे रहा हूँ उतना एफर्ट्स कम तो नहीं है, मुझे और एफर्ट्स देने चाहिए क्या प्रिपरेशन में। ये डर वाला थॉट जब तक मन में रहेगा तब तक प्रिपरेशन अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो आप लोग टाइम का बहुत स्मार्टली मैनेज करिए।
जिसमें आपकी पढ़ाई भी हो, वो सारी एक्टिविटीज भी हो जो कि आपको खुश रखती हैं, कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, या फिर ऑनलाइन कोई गेम खेलना, मोटिवेशनल वीडियोस देखना, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सब के साथ टाइम स्पेंड करना, वो सारी चीज़ें भी करिए जो कि आपको दिल से खुश रखती हैं, जो कि आपको मोटिवेट करती हैं और आगे बढ़ने के लिए। हेल्दी कंपनी में रहना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में प्रेपरेशन करते हुए ये चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपकी कंपनी अच्छी है, आपके आसपास के लोग ऐसे ना हैं जो कि आपको डीमोटिवेट कर रहे हैं और आपको ये चीज़ कह रहे हैं कि तू इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लायक ही नहीं। ये लोग आप लोगों के लिए बहुत टॉक्सिक होते हैं, तो प्रेपरेशन के टाइम पर ऐसे लोगों की कंपनी दूर रखना ही समझदारी है। तो दूसरी चीज़ क्या है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम को अच्छे से मैनेज करना सीखिए, टाइम को इस तरीके से डिवाइड करिए कि आप पढ़ाई के साथ साथ उन चीज़ों को भी वक्त दे सके जो कि आपको इमोशनली स्ट्रांग बनाती हैं, जो कि आपको खुश रखती हैं और मोटिवेट करती हैं लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। तीसरा पिलर आपका है सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन। किसी भी एग्जाम की आप प्रेपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि जिस बुक से आप पढ़ रहे हैं, क्या वो बुक सच में लायक है इस प्रेपरेशन के। हमेशा ऐसा माना जाता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में CBSE की बुक्स, यानी कि NCERT जो बुक है, वो रामबाण होती है। चाहे आप बोर्ड एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, नीट की प्रेपरेशन कर रहे हैं, JEE की प्रेपरेशन कर रहे हैं, ये माना जाता है कि आपके बेसिक्स आपके NCERT की बुक से ही क्लियर होते हैं। लेकिन NCERT के अलावा आप जिस भी रेफरेंस बुक से पढ़ रहे हैं, मेक श्योर कि आपकी बुक में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के सिलेबस के काफ़ी टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। मैं मानती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बुक में पूरे सिलेबस के टॉपिक्स दिए हों, लेकिन ऐसी बुक्स को रेफर करिए जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस दिया हुआ हो, जहाँ पर आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स कवर किए गए हों। साथ ही उन बुक्स से पढ़िए जहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दिए हों, प्रैक्टिस एक्सरसाइज दी हों, ताकि आप खुद को इवैल्यूएट कर सकें। तो सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मैटर करता है आपकी प्रेपरेशन के दौरान। गलत किताब कुछ नहीं होती है, हर ऑथर कोशिश करता है कि वो बेस्ट किताब लिख सके, लेकिन ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है कि कौन से ऑथर की बुक्स का लिखा हुआ आपको जल्दी समझ आता है। आपको खुद चेक करना पड़ेगा कि कौन सी बुक में ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दिया हुआ है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको बाकी सारी बुक से उस पर्टिकुलर टॉपिक को समझने की ज़रूरत ना पड़े। चौथा और आखिरी पिलर है रिविजन एंड इवेल्युएशन। आप किसी भी क्लास की प्रेपरेशन कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि आप जो कुछ भी पढ़ते हैं उसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज किया करें। ऐसा नहीं कि एक टॉपिक अभी पढ़ा और उसको 6 महीने बाद रिवाइज किया जा रहा है। 6 महीने में तो ऑब्वियसली बात है कि आप उस चीज़ को भूल चुके होंगे। फ्रीक्वेंट रिविजन बहुत ज़रूरी है। पूरे दिन भर जो कुछ भी पढ़ा, रात को सोने से पहले उसको रिवाइज करो। हर हफ्ते में 6 दिन पहले जो कुछ भी पढ़ा उसको रिवाइज करो। महीने में एक दिन चुनो जिसमें पिछले 27-28 दिन जो कुछ भी पढ़ा उस चीज़ को रिवाइज करो, ताकि उस पर्टिकुलर टॉपिक पर आपकी कमांड बढ़ती चली जाए। जितनी कमांड स्ट्रांग होगी उतने ज़्यादा चांसेस होंगे कि ईजिली आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये चारों पिलर्स हैं जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके एग्जाम प्रिपरेशन की बुनियाद होते हैं। स्मार्ट प्लानिंग, टाइम मैनेजमेंट, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, गुड सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, एंड लास्टली रिविजन एंड इवेल्युएशन। ये चारों पिलर स्ट्रांग है तो आपको किसी भी एग्जाम को क्रैक करने से कोई भी नहीं रोक सकता है। साथ ही ये चारों पिलर्स आपके प्रेपरेशन के दौरान दगबगाए ना, इसमें सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस जिस पल नीचे गिरा, आपके पिलर्स भी नीचे चले जाएंगे। जिस पल आपको लगा कि आप अपने गोल को अचीव करने के लायक नहीं हैं, आपकी प्रिपरेशन उतने अच्छे से नहीं हो पा रही है जितने अच्छे से होनी चाहिए, जिस पल आपके मन में नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, उस टाइम पर टाइम मैनेजमेंट, स्मार्ट प्लानिंग, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन, रिविजन, इवैल्यूएशन, ये सब कहीं वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले आपको इमोशनली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा ताकि आप मेंटली स्ट्रांग हो सके। तो यही चारों टिप्स थे, यही चारों पिलर्स थे जिनसे मुझे आप सभी को इंट्रोड्यूस करवाना था। आप जिस भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ रहेंगी। आप हमेशा लाइफ में बहुत आगे बढ़ें, बहुत सक्सेस हासिल करें और पॉजिटिवली लाइफ के हर एक फेज को एंजॉय करें। If you like this video, please hit the like button and subscribe to my channel for the upcoming videos. Thank you so much for watching this video.